चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेहरू रिपोर्ट। फर्स्ट, इट डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस इंस्टेड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मींस इसने पूर्ण स्वाधीनता की बजाय अधिराज्य स्थिति की मांग की। सेकेंड क्या है, द रिपोर्ट रिजेक्टेड द प्रोविजंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड प्रपोज्ड फॉर ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स। मीन्स इस रिपोर्ट ने अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधान को खारिज कर दिया और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया। बताइए गाइस क्या राइट आंसर होगा इसका, चलिए देखते हैं। अच्छा, बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। EQI, चलिए इसके बारे में जानते हैं। 1927 में साइमन कमीशन आया था। ओके, जिसका भारतीयों ने बहिष्कार कर दिया था। ये आया क्यों था, संविधान के प्रावधान तैयार करने के लिए, ठीक है, लेकिन भारतीयों ने इसका बहिष्कार कर दिया, पूर्ण बहिष्कार। ओके, जब अपोज किया तो बर्किनहेड ने चैलेंज किया कि अच्छा तो आप लोग ही संविधान तैयार करके दिखा दो। तो इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, ठीक है। उसने जो प्रावधान दिए उसी को बोला गया नेहरू रिपोर्ट। अब चले उसमें क्या क्या प्रावधान थे उसकी बात की गई यहाँ पे, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या है, इट डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस इंस्टेड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बिल्कुल, इसने कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, ठीक है। सेकंड क्या है, द रिपोर्ट रिजेक्टेड द प्रोविजंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड प्रपोज्ड फॉर ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के प्रोविजन को रिजेक्ट कर दिया था, यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधान को रिजेक्ट कर दिया था और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्ताव को पारित किया। अच्छा, उस टाइम क्या करते थे ये लोग अंग्रेज, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे थे, ठीक है। इसके लिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट बनाते जा रहे थे ताकि इन लोग के बीच में दूरियाँ बढ़ाई जा सकें। और सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने की ये शुरुआत कहाँ से हो चुकी थी, 1909 यानी माले मिंटो से, ठीक है। 1909 से इसकी स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी ना, इसमें मांग की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट को इन्होंने खारिज कर दिया था और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। चलिए देखते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में विस्तार से, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा। दोनों राइट होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों राइट, यानी सी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। इस सम्मेलन का आयोजन मई 1929 में मुंबई में किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंसारी ने की। इस दौरान मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के संविधान के विषय में विचार करने के लिए एवं मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसके प्रस्ताव निम्नलिखित थे। फर्स्ट, भारतीयों द्वारा अपेक्षित शासन प्रारूप के रूप में स्वशासन की तर्ज पर डोमिनियन स्टेटस। नेक्स्ट, पृथक निर्वाचन की समाप्ति की मांग की गई, जो इस समय तक संवैधानिक सुधार का आधार था। इसके स्थान पर सीट आरक्षित कर संयुक्त निर्वाचन की मांग की गई। नेक्स्ट, भाषाई प्रोविजंस। नेक्स्ट, मूल अधिकार। नेक्स्ट, धर्म इत्यादि से राज्य का पूर्ण पृथककरण। तो इसके बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में ये इम्पोर्टेंट प्रावधान थे, ठीक है। हो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसका कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।